रिया कुमारी की तरफ से बजट पेश किया गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, तो उनके साथ वो मौजूद रहे। उसके बाद एक रिपोर्ट हम आपको अपने संवाददाता की दिखाते हैं। आज पूर्णकालीन बजट घोषित किया जा चुका है। मुख्यतः उसके अंदर कई सौगातें दी गई, मगर युवाओं को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही थी कि इस बार युवाओं को क्या खास दिया जाएगा। कई तरीके की उसमें घोषणाएं की गई, फिर भर्ती की हो या युवा नीति हो, कई प्रकार की जो है घोषणाएं की गई है। मगर युवाओं का किस तरीके का सोचना है, जब उन्होंने बजट देखा क्या कुछ उनके मन में आया? आज बजट सुना आपने, किस तरीके का बजट है, युवाओं को क्या सौगात मिली? युवाओं का जो बजट के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से बजट आया है, तो राष्ट्रीय राज्य की युवा नीति की चर्चा हुई है। युवा नीति 2024 का प्रस्ताव आया है। स्टेट स्किल पॉलिसी की बात की है हमारे दिया कुमारी जी ने बजट रखते समय। और इसके अतिरिक्त संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना होगी, RIT कॉलेजेस की स्थापना की जाने की बात की गई है। हमारे यहाँ पे 70,000 भर्तियों की जो बात की गई युवाओं के लिए, ये भी प्रशंसनीय है। हालांकि भर्तियों की जो बात की गई है वे लगभग सभी सरकारें करती आई है, लेकिन पेपर लीक के लिए जो सरकार है उसने कुछ विशेष कदम उठाने के प्रयास नहीं किया है। 100 गिरफ्तारियों की बात तो हुई है, लेकिन एक विशेष नीति पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार बनाती नज़र नहीं आ रही है। दूसरी यदि हम बात देखें जो युवाओं के लिए विशेष थी, तो वह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में थी, जहां खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की बात की गई। हालांकि खेलो राजस्थान यूथ गेम्स से पहले भी होते आए, जैसे आयोजन पहले भी होते आते रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसे स्तर के आयोजन की आवश्यकता है जो कि राजस्थान ओलंपिक जैसी हम फॉर्मेट में देख सकें, और उन खिलाड़ियों को जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें हम रोज़गार भी सुनिश्चित करा सकें, साथ ही साथ हम उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकें, ऐसी इस नीति की हमें आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त राज्य की जो उच्चतर शिक्षण संस्थानें हैं उनमें R&D के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं किए हैं। R&D को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि जो हमारे संसाधन हैं उनका हम बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर सकें, वो सिर्फ तभी संभव है जब हम R&D करके उसका पता लगा सकें। और इसके अतिरिक्त युवाओं में जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल और बिजनेस स्किल डेवलप करने के लिए जो इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और साथ में अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये सारी चीज़ें जो शुरू की गई हैं वे बहुत प्रशंसनीय हैं। हालांकि स्टार्टअप के लिए जो सीड फंडिंग की हम बात करते हैं उसको लेकर के सिर्फ 20 करोड़ रुपए का छोटा सा प्रावधान हुआ है, उसको थोड़ा बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी, जहां पर जो प्रदेश के नए स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं उन्हें शुरुआती फेज़ में सरकार सीड फंडिंग या एंजल इन्वेस्टर्स के माध्यम से उन्हें अगर ज़्यादा बजट प्रोवाइड करवा पाती तो और ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बढ़ावा मिलता, इससे रोज़गार में भी बढ़ोतरी होती। तो युवाओं का सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह था वो रोज़गार को लेकर ही था। इसमें सरकार ने कौशल विकास की तो बात की है, हालांकि रोज़गार सृजन के क्षेत्र में अभी और ज़्यादा अवसर तलाशे जा सकते हैं कुछ क्या लगता है आपको कि 5 साल में 4 लाख जो है कहे कि अलग अलग भर्तियां की जाएगी, 5 साल में कई प्रकार की भर्तियां की जाएगी, इस साल 1 लाख भर्ती की जानी है, 5 साल में 4 लाख भर्ती कुल की जानी है, तो गवर्नमेंट के क्षेत्र में या कहे सरकारी नौकरी के पीछे जो युवा भागता है कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फाइड किया गया? देखिए, जिस तरह से युवाओं ने जिस तरह भजनलाल सरकार को चुना और वोट दिए और उसके बाद पेपर लीक को लेकर उन्होंने स्पेशल जटित जो फोर्स की उस सराहनीय थी, बट युवाओं को इस बजट से काफ़ी उम्मीद थी। जिस तरह दिया कुमारी जी ने जब बोला कि अच्छा बजट है, बट हम अच्छा तो नहीं बट ठीक सा बजट है, क्योंकि 70,000 भर्तियों की शुरू से अभी बात चल रही थी और फिर हर साल 1 लाख भर्तियों की बात हुई है, मगर जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं, कई कोचिंग करते हैं, वो कई बार निराश रहते हैं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स विभाग कई बना रखे हैं, मगर उनमें रोज़गार मेले की जो मॉनिटरिंग है वो नहीं हो पाती और उससे वो प्लेसमेंट सेल जो थी वहाँ की शून्य हो जाती है, तो प्लेसमेंट्स तो हो नहीं रहे। आप कौशल विकास की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं, पर धरातल पर देखा जाए तो प्लेसमेंट जो लेवल है बहुत शून्य की हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स डिग्री ले लेता है मगर उसको प्लेसमेंट वहाँ से नहीं हो पा रहा इतनी फीस देने के बावजूद भी। इसको निःशुल्क एजुकेशन भी करने का होता तो काफ़ी अच्छा संदेश जाता, हालांकि वो नहीं हुआ। संस्कृत पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जो यहाँ पे हालांकि कई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज बहुत कम है यहाँ, बट इनने सेंटर की जो बात की है, संस्कृत के सेंटर्स खोले जाएंगे तो वो भी रोज़गार का अवसर है। मगर और जो कुलपतियों को कुलगुरु का एक दर्जा नाम जो बदला है वो भी काफ़ी सराहनीय है,
क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो वो जिंदा रहेगी इस चीज़ें से। और जिस तरह से स्टूडेंट्स ने, हम लोगों ने भी राज्यवर्धन जी से जब मुलाकात की थी तो हमने बोला था जो स्पोर्ट्स हैं राजस्थान में, जो नेशनल तर्ज पे यहाँ भी गेम्स हों उसका जो उन्होंने नाम दिया, हालांकि ग्रामीण खेलों पहले भी चल रहे थे बट वो खुद भी इस स्पोर्ट्स फील्ड से, तो हमें लगता है कि इस बार थोड़ा अच्छा इनोवेशन होंगे। खेल के क्षेत्र में कमी रह गई कहीं ना कहीं? नहीं, खेल के लिए तो अच्छा रहा बट ये है कि इम्प्लीमेंट धरातल पर है काफ़ी अच्छा रह रहा। यूथ आईकॉन की जो बात हुई है वो जिससे युवा जागृति आई रही, दूसरे लोग अवेयर होंगे यूथ, तो ये भी काफ़ी सराहनीय है। आपको क्या लगता है जब भी कोई बजट पेश किया जाता है उससे पहले युवा, महिला, किसान और गरीब तबका, इसको ध्यान में रखकर बजट पेश किए जाने की बात कही जाती है? आज जो बजट पेश किया गया वो युवाओं के लिए था, महिलाओं के लिए था, किसान के लिए था या गरीब तबके के लिए था, आप कैसे देखते हैं इस बजट? आज का जो बजट था वो मेरे हिसाब से इसमें ग्रामीण विकास पे ज़्यादा फोकस दिया गया है और गांव के लोगों के लिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस, जिसमें गांव में आधारभूत सुविधाएं हैं, जो मान लो विद्युत को लेकर कहा गया कि अगले 2 साल में संपूर्ण विद्युत कनेक्शन हो जाएंगे जो 5 साल से बंद थे, उसके बाद में ग्रामीण विकास को लेकर और भी जो सड़कें हैं, चिकित्सा है, उनको लेकर जो प्रयास किए, और सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि सरकार ने बजट में कहा है कि हमने जो पेपर लीक गिरोह थे उनके 100 से अधिक गिरफ्तारियां की, ये एक सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। सरकार पेपर लीक को बहुत गंभीर है, ये सभी युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी बात है। खुश, क्या लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कहे कि एक तरीके से बेहतर बजट दिया गया है, जो करीबन 8% के लगभग जो है वो बजट है पूर्ण बजट का, यानी 27,660 करोड़ का बजट जो है चिकित्सा महकमे के लिए दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है चिकित्सा और बेहतर होने की कहीं ना कहीं आवश्यकता तो है, मगर ये बजट उस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का क्षेत्र है वो विकसित भी हो पाएगा, और जिस तरीके से अलग अलग योजनाएँ हैं कि राजस्थान अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे देश में जाना जाता है, इलाज के लिए चर्चाओं में रहता है, और साथ ही डॉक्टर्स की भी भर्ती की जा रही है, नर्सिंग कर्मियों की भी भर्ती की जाएगी, तो क्या लगता है कि हम स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कर पाएगा राजस्थान? बिल्कुल, देखिए आज हम हमारे राजधानी जयपुर में हैं, यहाँ चिकित्सा का जो एनवायरमेंट है काफ़ी अच्छा है, मगर कई गांव रानी में जाइए वहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी है, इलाज समय पे नहीं हो पा रहा, कई ऐसे आपने देखे हो इंसिडेंट्स भी आए हैं कि मरीज पहुंचता है डॉक्टर नज़र नहीं आते, हमारे SMS में भी काफ़ी प्रॉब्लम है कि बेड नहीं मिल पाते। तो पहले बात तो ये कि इन पे मॉनिटरिंग हो, आपने 8% लिया है अच्छी बात है, तो ये भर्तियाँ हैं वो समय पर हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलते, नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलते, आए दिन वो धरने पर आपको नज़र आते हैं कहीं शहीद स्मारक पर, तो इन पे मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरी है। दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि जो हायर एजुकेशन में जो वैकेंसीज हैं काफ़ी लंबे समय, देखिए एक प्रोफेसर पे 6-6 पद हैं, तो आप सोचिए कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा ये था कि इससे अलग से रोस्टर प्राणी बनती कि भाई इसमें यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन में भर्तियों का अलग से रोस्टर होता, प्रोफेसर्स उसमें आते, वो काफ़ी अच्छा रहता, बट इस बजट में हमें देखने को नहीं मिला। महिला सुरक्षा को लेकर भी बात की गई कि पेट्रोलियम की जाएगी और महिला जो है उसकी सुरक्षा महसूस कर सके, इस क्षेत्र में भी काम किया जाएगा, महिलाओं को लेकर आपका क्या कैसे देखते हैं? अब वही बात है कि आप देखिए अभी ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है कि वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर ही गलत लिखे हुए हैं, तो बाद इन्होंने घोषणा की है, देखते हैं। बाकी हाँ, क्राइम रेट में थोड़ा कम हुआ है क्योंकि जिस तरह से अभी गाड़ी जो CCTV पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी है उससे बहुत कमी देखने को मिली है, लोगों में भय है, डर है चोरों में या जो भी जो ऐसी हरकतें करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा यही है कि महिलाओं को पहले तो अवेयर होना पड़ेगा, बट हाँ ये है कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि जो वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर हैं या कहीं रोड्स पे जो नंबर हैं, कई बस में ट्रांसपोर्ट में है बट रोड्स पे ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, तो ग्राउंड जीरो पे ये चीज़ें हों। पूर्ण बजट की अगर बात कर ले तो किस तरीके से रहा ये पूर्ण बजट, हर एक वर्ग को साधा गया? लगभग प्रयास यही किया गया है कि हर एक वर्ग को जो है साध लिया जाए, हालांकि सरकार ने प्रयास बहुत अच्छा किया बजट को बनाते समय, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ था, चाहे से आप उद्योग जगत के लिए देखें तो इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ था, पर्यटन की बात करें पर्यटन के लिए बहुत सी बातें की गई, उच्च शिक्षा क्षेत्रों के लिए बहुत सी बातें की गई, इसके अतिरिक्त हम देखें तो किसानों के लिए बहुत सी बात थी, कृषि कार्यों के लिए बहुत सी बातें थी, महिलाओं के लिए बात की गई और चिकित्सा के लिए बात की गई, तो विभिन्न क्षेत्रों को साधने का प्रयास तो किया गया। हालांकि जो जनता की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं थी कुछ चीज़ों को लेकर, वे तो पूर्ण रूप से पूरी हो गई, जैसे पर्यटन क्षेत्र को लेकर के बहुत विशेष कदम उठाए गए,
चिकित्सा को लेकर के विशेष कदम उठाए गए। हालांकि उच्च शिक्षण संस्थान और युवाओं के लिए जो बजट था वो उतना कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रोजगार के क्षेत्र में जो कार्य किया जा सकता था उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की गई है। भर्तियों को सरकारी भर्ती के अतिरिक्त जो स्किल डेवलपमेंट और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से स्टार्टअप डेवलपमेंट की बात है उस पर ज़्यादा फोकस किए जाने की आवश्यकता है, जिससे ज़्यादा रोजगार सृजन हो सके। एमएसएमई के लिए जो बात की गई थी तो एमएसएमई के लिए जो बजट आवंटन की बात है वो बहुत अच्छा एक सरकार ने कार्य किया। एक्सपोर्ट ले अलग अलग संस्थानों कॉलेज भर्तियों के बारे में बात कर ले, उसके साथ ही चिकित्सा महकमे में एक जो है बड़ी घोषणाएं की गई है, डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई, फिर वन स्टेट वन इलेक्शन की बात की गई, जो कहे कि लंबे समय से इस पर चर्चा भी चल रही थी, उसकी घोषणा जब आज वित्त मंत्री ने की तो कहीं लोगों में संतोष देखने को मिला। अब देखने वाली बात होगी कि बड़ी घोषणाएं कर दी गई है मगर जब बजट घोषित होता है तो पूरे प्रदेश की निगाहें बजट पर होती है, अगर इसे जमीनी दौर से अगर लागू कर दिया जाता है तो किस तरीके से प्रदेश का विकास हो सकता है। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव।